नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि न्यूज एंड व्यूज का। निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होते ही दोनों दलों के पदाधिकारियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के बाड़े बंद देकर उन्हें शहर से दूर किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना कर दिया है। निकाय प्रमुख अपना बन सके इसके लिए दोनों ही पार्टियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को प्रमुख चुनाव से पहले किसी बड़े खेल की आशंका भी सता रही है। ऐसे में रिजल्ट से पहले उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी बड़े सियासी जुगाड़ का इशारा कर रही है क्या? यही आज का सवाल है, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट, फिर चलेंगे मेहमानों। रिजल्ट से पहले की बात है, उफान पर जज्बात है। हाय, सियासत की कयामत वाली रात है। दिल पर हाथ रख लीजिए, कहीं धड़कने बाहर ना निकल आए। नेताजी का ब्लड प्रेशर कुकर के प्रेशर से तेज है, क्योंकि कल का सूरज किसी के लिए नई सुबह लेकर उगेगा तो किसी के लिए शाम बनकर उतरेगा। सियासत के सूरमा रिजल्ट से पहले बड़े खेल की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने दावेदारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है, ताकि जीत के जुगाड़ के इस खेल में दावेदारों की कहीं सेल न हो जाए। सो कांग्रेस ने अपने दावेदारों को एक साथ एक हाथ में बांध दिया है। एहतियात तो देखो हर समय और हमेशा बरतना ही चाहिए, राजनीति में भी एहतियात बरतना चाहिए। बाकी ऐसी कोई डर की बात नहीं, हमारे जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं उनको हमने बहुत अच्छे लोगों को चयन करके चुनाव का संबल दिया है और ऐसी कोई डर नहीं। तो बीजेपी भी शहर की सरकार के जुगाड़ में हाथ पांव मार रही है। बीजेपी ने दावेदारों के आगे लक्ष्मण रेखा खींच दी है, ताकि कोई उम्मीदवार कुर्सी के लोभ में रेखा न फांद पाए। बाड़ाबंदी, खरीद फरोख, हॉर्स ट्रेडिंग, ये कांग्रेस का काम है। इसीलिए उन्होंने निकाय चुनाव में, राजस्थान के निकाय चुनाव के इतिहास में पहली बार 7 दिवस का अंतराल दिया है रिजल्ट आने से लेकर सभापति के चुनाव के बीच में, जिससे कि तोड़फोड़ की जा सके, बाड़ाबंदी करके डराया जा सके, प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया जा सके। ये अलग बात है कि मकबूल मंडेलिया साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दरवाजे के भीतर का शोर कहता है यहाँ दस्तक मत देना, उम्मीदवार आराम कर रहे हैं। राजस्थान की बाड़ाबंदी सबसे हार्ड लिस्ट शुरू है, आपको मानते हैं आपको और महाराजेंद्र राठौड़ का मेरा मुकाबला रहता है। अभी भी जाकर देख लो हमारे पार्षद जितने जीत रहे हैं, टिकट दिए और सब खुले हुए हैं, कुछ बाड़ाबंदी नहीं। बाड़ाबंदी का ये खेल सियासत में नया नहीं है, महाराष्ट्र चुनाव में इसकी नजीर देखने को मिली है। हालांकि निकाय चुनाव में बाड़ाबंदी जैसी बातें नहीं होती, लेकिन राजस्थान में हो रहे बाड़ाबंदी से सवाल उठता है, क्या शहर की सरकार बनाने में बीजेपी और कांग्रेस किसी भी सूरत में कदम पीछे नहीं खींचना चाहती है? फिर सियासत की कोई चाल हो, कोई सवाल हो, कोई जाल हो या फिर कोई जुगाड़ हो। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। वैसे तो बाड़ेबंदी सब शब्द राजस्थान की राजनीति के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दोनों पार्टियां खेल खेलती हैं, समझ में आता है कि वाकई में दोनों पार्टियों के एक दूसरे के जो प्रत्याशी हैं उन पर भरोसा नहीं होता है। क्योंकि लगता है किसी भी वक्त स्थिति गेम पलट सकती है, क्योंकि कोई भी खरीद फरोख्त या लालच के चक्कर में थोड़ा ज्यादा मिला तो पता चला कि ये खेमा बदल के उधर चला गया। ये कबड्डी वाला गेम नहीं है कि वापस आएगा, बल्कि चला ही जाता है। चलिए यही चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए, एक करके पर्चे करवाते हैं, फिर चलेंगे सीधे सवालों पर। ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इंद्राज मेघवाल साहब हैं, अध्यक्ष वंचित समाज परिसंघ के, जयपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग हर्ष साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बीकानेर से जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सैनी साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बचपन में कहावत हम सबको कही जाती थी, सुनाई जाती थी कि खुले तराजू में मेंढक को रखकर तौलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक निकलेगा, दो रखेंगे, तीन कूद जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान की राजनीति में चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे पार्षदी का निकायों का चुनाव हो, अमूमन ये हालात हर बार बनते हैं।
वोटिंग के बाद भी डर लगा होता है कि भाई जिसको हमने टिकट दिया है क्या पता वो कल दूसरे खेमे में चला जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हो संजय, लेकिन ये राजनीति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि आप जिनके साथ में प्रतिबद्ध हैं, जिनके टिकट पे आप लड़े हैं, तो उसके बाद में आप इस तरीके से पाला बदलते हैं। दरअसल मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो इस बात के लिए आमदा है कि उनकी जो पहले से जो पहले के जो चुनाव थे पिछली बार उसमें उनकी कोई हैसियत थी नहीं, 6 स्थानों पर उनके वोट बने थे, बाकी 36 के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी जो अलग सारा सिलसिला था। तो इस बार वो स्थापित करना चाहते हैं कि उनकी अपनी साख है, सरकार है, इसलिए सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो डर रहे हैं, डर इसीलिए रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिबद्धता उस तरीके की नहीं रही जैसे एक जमाने में हुआ करते थे कि अपने विचारों अपने कमिटमेंट के बाद में लोग कहीं इधर उधर नहीं आते थे। अब तो बिकने के लिए तैयार रहने लगे हैं, तो कोई अच्छी बात नहीं है ये। और इसी डर से ये सब बाड़ेबंदी का सिलसिला है जो अपने आप में ऐसा डेमोक्रेटिक नहीं लगता, बड़ा अनडेमोक्रेटिक लगता है। लेकिन सब सारे दल इनकार करते हैं, निर्दलीय भी इनकार करते हैं कि हम ऐसा कहीं भी नहीं है। इस इनकारी को कैसे स्थापित किया जाए? नहीं सर, ये तो स्थापित उल्टा हो चुका है मुझे लगता है। अब ये राजनीति में स्थापित नहीं होने वाला कि विचारधारा के आधार पर पार्टियां या जो प्रत्याशी हैं भाई कहीं नहीं जाएंगे, जहां थोड़ी लालच मिली उधर पलटी मार जाएंगे। ये सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति का तंत्र बदल चुका है। अलका सिंह गुर्जर, आपकी पार्टी तो पार्टी विद द डिफरेंस है। संजय बिल्कुल ठीक, आपकी पार्टी तो पार्टी विद द डिफरेंस है, फिर ऐसा क्यों है कि अपने अपने ही जो है कि पार्षद उन सबों को बचाने की जरूरत पड़ रही? क्या प्रत्याशियों पर आपके भरोसा नहीं है? नहीं संजय, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस है और हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जाति आधारित, तुष्टिकरण आधारित, परिवार आधारित नहीं है। और निश्चित रूप से बाड़ाबंदी में हम विश्वास भी नहीं करते। तो लेकिन ये जो नए पार्षद चुनकर आए हैं इनको अलका सिंह गुर्जर, ट्रेनिंग पाली में बीजेपी की बाड़ेबंदी, बीकानेर में बीजेपी की बाड़ेबंदी, हनुमानगढ़ में बीजेपी की बाड़ेबंदी, ठीक है, और कहां की बताऊं मैं आपको? बाड़ाबंदी नहीं है ये, प्रशिक्षण। अच्छा, देखिए हमारी पार्टी विद द डिफरेंस है और हमारे यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है काम के लिए। बड़ा अच्छा, क्या प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें? बाड़ाबंदी है, प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या प्रशिक्षण दिया जाता है जरा बताइए तो खुल के बता दीजिए। एक या दो दिन के लिए इनको इकट्ठा किया जाता है, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है किस तरह से इनको काम करना और किस तरह से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, क्योंकि ज्यादातर जो प्रत्याशी होते हैं काफी प्रत्याशी नए भी होते हैं, तो बहुत अरे तो चुनाव जीतने के बाद भी हो जाता है ना, क्या कार्यशाला के अंतर्गत प्रशिक्षण जानकारी दी जाती है। गुर्जर जी, अलका चुनाव, ये तो चुनाव जीतने के बाद हम, हो जाता है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है? संजय जी, हमारे सारे उम्मीदवार जिताऊ और टिकाऊ हैं, ये हम मानकर चलते हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बाड़ेबंदी नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं कर रही। अनुराग जी, कमेंट। जी जी, देखिए ये जो कह रही है वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सही कह रही है अलका गुर्जर जी, कि बाड़ाबंदी नहीं हो रही है। अब इस प्रदेश में होटल बंदी हो रही है, धर्मशाला बंदी हो रही है, 5-स्टार बंदी हो रही है। ये लोग, इनको विश्वास नहीं है खुद के ऊपर, इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं इधर से उधर नहीं हो जाए। एक छोटा सा पार्षद जो है, ये जो पहले इन्होंने सैनी साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है कि वो खुद बिकने के लिए तैयार बैठा है, इसलिए भी पार्टियों का विश्वास उठ गया है। चुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है कि चुनाव लड़ने के बाद अगर हम जीत गए तो कुछ न कुछ कमाई हो जाएगी, और जीतने के बाद पहले कमाई होगी और बाद में जब पार्षद बन जाएगी तो हम ठेकों में कमा लेंगे। तो ये राजनीति का एक कुरूप है, एक बड़ा अजीब सा रूप जो है वो सामने आ रहा है, और बाड़ेबंदी करना राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो गई है कहीं कहीं। बिल्कुल सही आपने कहा, मुझे लगता है विचारधारा और कमिटमेंट तीनों की कमी है। पार्षद अगर कोई बनना चाहता है, अगर आपकी बात से समझा जाए तो फिर पैसे के लिए बनना चाहता है, कमाने के लिए बनना चाहता है। ये हालात बन चुके हैं, जहां से मौका मिला वहां लपक लो। बिल्कुल वही एक है ना? बिल्कुल वही हालात बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हर नगर परिषद, हर नगर निगम में जो पार्षद बने हुए उसमें अधिकांश ऐसे लोग मिलेंगे जो ठेकेदारी कर रहे हैं। बीजेपी की सच्चाई पर भी प्रकाश डालिए। आपने देश लोक में धर्मशाला बंदी कर रखी है मैडम, देश लोक में आपके नेता टीटी साहब जो है उन्होंने धर्मशाला बंदी कर रखी है। देश लोक में आप किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हो? वहाँ पे बीकानेर में भी आप ट्रेनिंग दे सकते थे उनको, इसलिए आपने वहाँ पे जमा के रखा है। उनको विश्वास नहीं है आपको? आपको लगता है हमारे 25-30 जो भी पार्षद जीत के आएंगे उनको कोई ले नहीं लेगा?
धर्मशाला बंदी मत धर्मशाला बंदी कहिए ना, मैं धर्मशाला अपने आप बांध रखा। अनुराग जी बाड़े बंदी बाड़े बंदी नहीं है, सही रहा बाड़े बंदी नहीं बताता हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल मैडम, ये बाड़ा बंदी तो बंद हो गई, तरक्की पशुओं के लिए इस्तेमाल होता है टर्म, और लोकतंत्र में जो ये प्रचलन चला है ये कतई इंसानों के लिए तो नहीं है, ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है। अगर देश ने विकास किया इसलिए बाड़े बंदी ही कही है, देश ने विकास किया इसलिए बाड़े से निकल के हम होटल तक आ गए हैं। अच्छा इंदिराज जी कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को मुंह तो दिखा रही है लेकिन शीशे में मुंह देखने लायक नहीं है इस स्थिति को लेकर। संविधान की बातें बड़ी बड़ी की जाती है, संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ, ये कौन सा संविधान है? और शर्म तो उनको लेकर आती है जो चुनाव जीत कर आते हैं लेकिन कुछ पैसे कुछ लालच के चक्कर में कूद कर दूसरे खेमे में चले जाते हैं। देखिए संजय जी, राजनीति में जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो जिस ढंग से इनके चयन होता है शुरू में, ये पता रहता है पॉलिटिकल पार्टियों को, उसके बावजूद भी इनको टिकट मिलता है कि अपने आप को बिकाऊ साबित करते हैं जगह जगह। तो ये हमारे राजनीति का एक कुरूप चेहरा पिछले 70 साल से डे बाय डे बीजेपी कांग्रेस या अन्य को पार्टियां उभर रहा है, इसलिए कि मार्केट पॉलिटिक्स है एक तरह से, और मतदाताओं के साथ तो धोखा होता ही होता है, लोकतंत्र के साथ अपने आप में एक बड़ा मजाक है। लेकिन इनकी इनको लिबर्टी देखो, जो बिकाऊ कौन है फिर खरीदार क्यों है उसका, तो ये तो जनता को हिसाब लेना चाहिए कि ऐसे जो जिनके अवसरवादी लोग हैं जो धोखा करते हैं मतदाताओं के साथ लोकतंत्र के साथ, उनको पहली बात तो टिकट नहीं देना चाहिए। एक अगर वो धोखाधड़ी करके बदलते तो इसमें तो एंटी डिफेक्शन बिल टाइप लागू होना चाहिए। जब कोई अपने कमिटमेंट के साथ वोट मांगता है तो उसी कमिटमेंट के साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जनता के प्रति, ना कि पार्टी के प्रति जिनसे वोट लेता है। तो ये जो कंडक्ट रूल्स ये चुनाव आयोग को बनाने चाहिए कि भाई जिससे जिस कमिटमेंट से आप जिनके प्रति अकाउंटेबिलिटी आपकी फिक्स होनी चाहिए, इतनी आपको नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि जनता के विश्वास को बेच रहे हो, नहीं तो उनकी सदस्य एथिकल वैल्यूज तो दोनों ये एथिकल वैल्यूज तो पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करनी चाहिए कि हमारे हम ऐसा कमिट करते हैं कि हमारा कोई भी उम्मीदवार जिसको टिकट देते हैं वो इधर उधर नहीं जाएगा। एक और जो फेर वातावरण देखो, इस देश में फेर वातावरण रहा नहीं, जो कोई टिकट देता है उसके पीछे जिताने वाला कोई और है, जो पूंजीपति उसका इशारा है, पैसे की कितनी घिनौनी, आप देखो चुनाव आयोग कैसे कैसे हार्ड केस पकड़ता है। तो ये तो सब लोकतंत्र की बाड़ाबंदी, शुरू से जब चयन होता है एंड तक जो रिजल्ट है, जैसे शासन प्रशासन में आने के बाद आपने जो जैसे रिजल्ट सीट होते हैं आपस में तो संविधान को दरकिनार करके। बिल्कुल सही कहा, मैं फिर आपके पास आऊंगा। ओम सैनी साहब एक बेहद गंभीर सवाल, मैं यूपी से आता हूं सर, हमारे यहां ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख में जितने भी बीडीसी वहां से चुनकर आते हैं सोचिए उनकी क्या औकात होती है, लेकिन एक प्रमुख का चुनाव होने में जो जीतता है वो अमूमन हर एक बीडीसी को खबरें ऐसी आती हैं कि गाड़ी देता है, फोर व्हीलर 10-20-50 लाख रुपए का ऑफर दिया जाता है एक एक बीडीसी को पकड़कर, पैसे की ऐसे बंदर बांट की जाती है कि सिस्टम लोकतंत्र सब कुछ धराशायी हो जाता है, और वही सिस्टम यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में सर कमिटमेंट नाम की चीज नहीं होती है? नहीं, क्या वाकई में विचारधारा नाम की चीज नहीं होती है? ठीक है पार्षदी का चुनाव कहा जाए कि शुरुआती चुनाव होता है, यहां से आगे बढ़ने की एक लालसा होती है, लेकिन लालच तो वहीं से भर दिया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि विचारधारा तो होती है लेकिन विचारधारा के प्रति लगाव और पार्टी के साथ में जोड़ने का जो सिलसिला होता है, संगठन की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से दूर रखे जिनकी प्रतिबद्धता पर शंका हो और उनके लिए कोई रास्ता ना ढूंढे। लेकिन हो ये रहा कि हर पार्टी के अंदर कई कई गुट बने हुए हैं, हर गुट अपना प्रभाव बनाना चाहता है। सैनी साहब ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? सबको जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए, जीतने से ज्यादा जिताने वाला उम्मीदवार चाहिए, अपने तो जीते चार को और देखिए हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास में ऐसे लोग हैं जहां इस तरीके की इस तरीके से अपने आप को पेश नहीं किया जाता। वो अलग बात है कि उनकी हैसियत कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन उनके अपने कमिटमेंट के लिए वो लोग बैठे होते हैं। साम्यवादियों के बारे में ऐसा कहा जा सकता है, समाजवादियों के बारे में ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी के साथ में जो हो रहा है मुझे दुर्भाग्यजनक इसलिए लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी तो एक अलग किस्म की पार्टी बनने जा रही थी और वहां भी ऐसा होने लगा कि बाड़े बंदी जैसा सीन नजर आता है। पर अलका जी जो फरमा रही हैं कि प्रशिक्षण के लिए तो ये अच्छी बात नहीं, कहां का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण देना अच्छी बात नहीं है, जो सच है उसको मानना चाहिए। दरअसल ऐसे तो कांग्रेस भी कह देगा, देखिए कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र के एमएलए लेकर आ गए थे, अभी आपने देखा कांग्रेस के महाराष्ट्र के विधायकों तक पे इनको विश्वास नहीं है। अरे तो आपके पार्षदों पर आपको भरोसा है मैडम, मतलब जहाँ सीकर में देखने को मिल रही है। अलका सिंह गुर्जर जी, आपके पार्षदों पर क्या बीजेपी को भरोसा है क्या? आपके पार्षदों पर बीजेपी को भरोसा है क्या? भरोसा अगर होता तो वाकई में दो दिन बाद ये कार्यशाला रख लेती जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अरे हमें भी देखने को मिल जाता। वाकई में देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसके कार्यकर्ता और जो नेता है, जो जीता उम्मीदवार है, कहीं छिटकते नहीं है, दंभ के साथ बोलते के साथ चुनाव लड़े हैं। और हमारे संगठन संरचना के अनुसार जो आगे लोग आए वो लोग हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि इनको अपने विधायकों तक। एक सवाल मेरे तरफ से अलका सिंह जी से है, अलका सिंह जी से एक सवाल करना चाहता हूं। कर रही हैं अलका सिंह जी, मुझे लगता है आप डिफेंस कर रही हैं चीजों को लेकर। अलका सिंह जी से एक सवाल, अनुराग जी, अलका जी से एक सवाल है मेरा। हाँ। कि अलका जी आप कह रहे हैं आप अपने पार्षदों को जो बनने जा रहे हैं, अभी तक सारे पार्षद बने नहीं है आपने। हाँ। आपने सबको इकट्ठा किया है। हाँ। जो पार्षद बने गए नहीं उनको इकट्ठा किया, एक सवाल। दूसरा ये कि आप अपने पार्षदों को तो दीजिए। हाँ। आपने निर्दलीय लोगों को क्यों इकट्ठा कर रखा है वहां पे? आप निर्दलीय लोगों को पकड़ पकड़ के क्यों अपने बाड़े में डाल रहे हो? ये निर्दलीय लोग इनको किस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं? फिर कांग्रेस वालों को बुलाओ, उनको भी प्रशिक्षण दो। अलका सिंह जी उनको क्यों पकड़ के रखा हुआ है आपने? न सिर्फ आपने, सब पार्टियां ऐसे ही कर रही हैं। थोड़ा सा बता दे क्या कह रहे हैं। निर्दलीय लोगों को इकट्ठा किया है हमने, निर्दलीय लोगों को क्यों इकट्ठा किया? हमने निर्दलीयों को इकट्ठा नहीं किया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत है, विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सब टिकट भी दे देती थी मैडम, कार्यशाला का हिस्सा बनना चाहते थे, टिकट भी दे देती आप। देखिए हम तो उस समय आप टिकट देते ना मैम, हम आप पे टिकट देते हुए तो आपको आदमी योग्य नहीं लगा। आरोप है हमारी दोनों पार्टियों पे गंभीर आरोप है। इतनी समाज टिकट देते हुए आपको वो आदमी योग्य नहीं लगा, आज आप उसको योग्य भी समझ रहे हैं, वो बाकी उसके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसको आप प्रशिक्षण दे रहे हो। वो आपकी प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ रहा है, उसको आपने टिकट नहीं दिया, टिकट देने योग्य नहीं समझा। अनुराग जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं जा पा रही है मुझे लगता है अलका सिंह जी के पास। अलका सिंह जी इनका सवाल यही है, आवाज प्रॉपर नहीं, इनका सवाल यही है कि जो पार्टी से बगावत करके गए और वो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, आपके प्रत्याशी के लिए मुश्किल खड़ा किया, उनको भी आप प्रशिक्षण शिविर में लेकर आ रही हैं जैसा कि आप बता रही हैं। इतनी दरिया दिली कब से दिखाने लगी पार्टियां? देखिए ऐसा 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 संजय जी नहीं है, लेकिन निर्दलीय जो अगर कोई चुनाव लड़े हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा है मैम, आप सुरेंद्र पाल सिंह जीटी साहब से बात करके पूछिए कौन कौन लोग हैं वहां पे। सभी का स्वागत करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं सर। मैम आजकल एक आप ही के पार्टी को लेकर एक मीमिक भी चल रहा है सोशल मीडिया पर कि जो बीजेपी में आता है गंगा स्नान करके आता है। सैनी साहब रिएक्शन चाहूंगा आप, सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के बीच इस नीयत को तो समझाइए। कांग्रेस के बीच नीयत ठीक है, मैं वह सवाल नहीं खड़े कर रहा, कांग्रेस की इस नीयत को तो समझाइए। बीजेपी पर तो हम सवाल खड़े कर दिए, कांग्रेस भी तो यही कर रही और कांग्रेस कूद कूद कर पहुंचती कि भैया बीजेपी के राज में संविधान का बंटाधार हो रहा, अपना मौका आए तो संविधान किसी भी तरीके से चल ले, जब अपना मौका ना हो तो फिर आरोप लगा दो बड़े ईमानदारी के तरीके से। विचारधारा ही नहीं है, विचारधारा ही नहीं है, ना विचार है ना नीति है ना नीयत है कांग्रेस की, तो ना विचार ना नीति ना नीयत। जो कुछ बदलाव नजर आ रहा है उसका कारण तो उनके आपसी अंदरूनी अपनी अपनी हैसियत बनाना चाहते हैं, वहाँ का सांसद, वहाँ का विधायक, और आपके आपके जो दो धड़े बने हुए हैं कांग्रेस में उनका क्या हाल है? वो आपको स्थापित करना चाहते हैं, वो इसलिए बड़ी प्रतियोगिता वाला सिलसिला है, तो जिसका दबदबा लगे और लगे ये कि ये जो बोर्ड बन रहा है इसमें मेरा कितना रोल है। हाँ। आप भरतपुर में देख लीजिए, आप सीकर में देख लीजिए, आप उदयपुर में देख लीजिए, आप इधर क्या कहते हैं जैसलमेर बाड़मेर में देख लीजिए, तो मंत्रियों की साख दाव पे लगी हुई है, कुछ इंडिविजुअल्स के बांसवाड़ा में देख लीजिए। हाँ। तो ये सारे लोग अपने अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। हाँ। तो प्रतियोगिता वैसे ही चल रही है जैसे। ठीक है सर, ठीक है, इंद्रज मेघवाल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद इंद्रज मेघवाल साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? सवाल तो बेहद गंभीर दोनों पार्टियों के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन कांग्रेस का अगर कोई नुमाइंदा यहाँ पर होता तो वाकई में सही तरीके से जवाब हम चाहते हैं उनसे कि भैया ये कौन सा कल्चर शुरू कर दिया आप लोगों ने। इंद्रज मेघवाल साहब देखिए शुरू से है कल्चर, देखिए संजय जी ये जो वायरस है पूरे देश भर में है, इसका इलाज ये है कि इनका आधार कार्ड से जो
जो प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लेना चाहिए पहले उसके पास क्या था, चुनाव के जीतने के बाद उसके पास 5 साल रहता है उसके पास प्रॉपर्टी का क्या। आधार से प्रॉपर्टी लिंक बीजेपी नहीं कर पा रही है, नोटबंदी कर दी लेकिन जब हार्ड जो आधार से प्रॉपर्टी लिंक कर दी जाए, जो भी अवैध प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो खरीद फरोख्त चुनाव से पहले होती है। सर ये तो शीशे के घर है ना दोनों के काय को, सभी राजनीतिक पार्टियों के। सर शीशे के घर तो सबके होते हैं ना, पत्थर कैसे फेंक देंगे एक दूसरे के ऊपर। अच्छी बात है लोगों को, नहीं 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 नहीं, लेकिन लेकिन शीशे के बिल्कुल घर हैं, लेकिन मैं कहूँ पब्लिक को ये मौका, पत्थर पब्लिक के पास होना चाहिए कि अरे पब्लिक तो इतनी ईमानदार है सर, एक वोट दबा के आती है 5 साल पूछती नहीं है, धोखा एक वोट दबा के आती है 5 साल पूछती नहीं कि विधायक जी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये उसको उसको तो मतलब ही नहीं होता। और कहीं कहीं पर ऐसा सिस्टम होता है कि दबा दिया जाता है, निश्चित कंडक्ट जो चुनाव पब्लिक तो अब जागरूक हो गई है, चुनाव आयोग के द्वारा कोई ऐसा कोई नीतिबद्ध निर्णय होना चाहिए कंडक्ट रूल्स के तहत, प्रॉपर्टी खरीद फरीद जो दो ऐसे जो एंटी डिफेक्शन बिल टाइप ऐसा बनना चाहिए, ऐसे ये आगे से हो नहीं। ठीक, हम चर्चा करते हैं उसके डिस्कस ये निकलना चाहिए कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग को ये नीतिबद्ध तय करे कि ये आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए जो आदमी इधर से उधर। बिल्कुल सही सर, आपने कहा, मैं इसी सवाल पे आ रहा था, मैं चाह रहा था इसका कंक्लूजन निकाला जाए। आपने बिल्कुल सही कह दिया कि चुनाव आयोग को इस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आज दिन भर जो हमने सवाल पूछा है, जरा देखिए तंत्र तो बिगड़ गया, तंत्र बिगड़ने के बाद जो सवाल पूछा गया हमने उसका जनता ने जवाब क्या पूछा दिया है। रिजल्ट से पहले उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी बड़े सियासी जुगाड़ की तरफ इशारा करती है। देखिए 89% लोगों ने कहा है बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने निकाय प्रमुख बनाने की तैयारी में है, 2-4 सीटें कम होती है या चिटकने का डर होता है तो उससे पहले अपने आप को मजबूत करके रखो, बाकी दूसरों को अपने तरफ लाने की कोशिश करो, ये सिस्टम तैयार किया गया। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रिजल्ट से पहले बीकानेर में बीजेपी की बाड़ेबंदी, पाली में बीजेपी की बाड़ेबंदी, हनुमानगढ़ में बीजेपी की बाड़ेबंदी, इसके अलावा कोटा में कांग्रेस की बाड़ेबंदी, अलवर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी, सीकर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी, 3 तो ऐसे अभी नगर निगम है जहां पर चुनाव हुए नहीं, वरना उनमें भी नाम इनका आ जाता कि भैया यहां पर इस रिसोर्ट में ये रुके, इस रिसोर्ट में वो रुके। पर सिस्टम ये है कि कब किसकी तरफ से छिटक कर कौन भाग जाए, इसको लेकर दोनों पार्टियां चिंतित हैं। बहरहाल इसके पीछे की गणित क्या है, ये चुनाव जीतने के बाद कल रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देने लगेगा। इस चर्चा में जाएंगे।